अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अदनान नूर, आज फिर 12 के सेट से आपके साथ। और आज एक पाकिस्तान की या दुनिया भर में एक ऐसी शख्सियत आपसे जो मुतारफ़ बहुत से लोग इन्हें जानते हैं, लेकिन आज मेरे प्रोग्राम में मुझे पहली दफ़ा मौका मिला है कि एक ऐसी शख्सियत से, ऐसे नौजवान शख्स से आपकी मुलाकात करवाना चाह रहा हूँ। कि आम तौर पर आप लोग चाह रहे होते हैं कि हमारे बच्चों के कद बड़े हों, और जो है ना छोटे कद वाले लोग पसंद भी कम लोग करते हैं, लेकिन बड़े कद को लोग पसंद करते हैं। तो आज 8 फुट कद है आक नवाज़ साहब का, तो आपकी मुलाकात इनसे करवाते हैं और इनसे ये जानेंगे कि क्या बड़े कद के क्या फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, और इन्हें अब तक इस मामले में जो ख़ास तौर पर नुकसान हैं उस पर भी ये रोशनी डालेंगे, और उसके बाद फ़ायदे के हवाले से भी। इन्हें अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम साहब, क्या हाल है? जंग में और 12 के सेट पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। तो कैसा लगता है जब आपकी माशाल्लाह 8 फुट के करीब आपकी हाइट है तो चल रहे होते हैं, तो कैसा फील कर रहे होते हैं? माशाल्लाह जी, काफ़ी लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, हम माशाल्लाह बहुत पसंद करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। फोटो सेल्फी भी नाल बड़े हाथ भी आधे मिलाने नाल मेरे, काफ़ी लोग खुश महसूस करते हैं। इतनी बड़ी हाइट माशाल्लाह आपकी है, आपको हम लोग कैसे लगते हैं? 4 फुट 5 फुट के बंदे आपको कैसे लग रहा होता ऊपर से हमें देख के? जी जी, मेरे को तो ये पता लगता है मेरे नाल कोई बच्चे टुरे होते हैं, छोटे छोटे लगते हैं। अब हमें 100 साल का भी हो गए बच्चे ही लगते होंगे। अच्छा ये दसो कि तुम कितने बहन भाई हो? सर हम 3 भाई है, 2 बहन है मेरी। अच्छा, उनका कद का भी इसी तरह जिस तरह आपके हाइट माशाल्लाह बड़ी है, इस वक्त आपका नाम है दुनिया में कि आप नौजवानों में सबसे बड़ा हाइट रखते हैं, तो उनके कद के मामले में क्या है? बाकी पूरी फैमिली नॉर्मल है, अल्लाह ताला ने मुझे बड़ा कर दिया, घर ही वड्डे में वैसे भी बड़ा अल्लाह ताला ने कर दिया। अच्छा, घर ही वड्डे हो वैसे ही बड़ा कर, इतना बड़ा कर दिता है कि लोग उन पसंद कर दें तुम्हारे नाल फोटोआं नु खिचावना और तुम्हारे नाल टूरना पसंद कर दें। अच्छा ये दसो कि ये मुड़े तवाले नाल जिन्हां तुम्हारे कद बोते आ दिन पे जिन्हां दे कद बोते हुण खांदे पींदे बड़े हैं, तो इस हिसाब नाल की सूरत है? माशाल्लाह जी, जिवें कद जिवें खुराक की तो ज्यादा मंगता ना जिसम, एक टाइम में 10 से 12 रोटियां, 5 किलो दूध भी होता है, फ्रूट भी होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं खाने के लिए। इंशाल्लाह वो मैं कुछ ना कुछ खादी पीते रखेंगे, खादी पीते रख। अच्छा ये दसो मुड़ घर वाले किसी तंग भी हो जाने भाई, ये जनाबे वाला ये बच्चा साढ़ा है वड्डा लेकिन खाँदा भी इतना, बाकी ही कोई खा पी जाता, कोई हिसाब तो नहीं होगा? सर ऐसी कोई गल नहीं, जो भी होता है बाद घर में जो दाल साग पकता है मैं खिलाती रहती है। अच्छा। मेरी अम्मी मेरे साथ होती है, मेरे बहन भाई तो अपने घर बार वखरे ना। अच्छा, मेरी अम्मी खाना पकाई रखती है, मैं खादी रखता हूँ। अच्छा, कोई काम, कोई नौकरी, कोई किसी किस्म का कोई स्पोर्ट कोई है कि तुहानू? मैं सर काफ़ी मैं हुकूमत को अपीलें की थी, टीवी के जरिए अखबारों के जरिए मुहैया दरार थी गए, काफ़ी बड़े बड़े जितने जड़े और जड़े लोग आने सब लोग फोटो सेल्फी बनवाने तसली देने हक नवाज हम आपके साथ हैं, आपने घबराना नहीं है, ठीक है ना। सब लोग खुश होने फोटो सेल्फी बनाते वैसे बाद में सब भूल भाल जाते हैं। ये बड़े दुख की बात है कि हम सब लोग भाई हक नवाज के साथ तस्वीरें बनवाते हैं, सेल्फियाँ बनवाते हैं, गवर्नमेंट ड्राइवल पे भी हाईलाइट करते हैं कि खुश होते हैं सेल्फियाँ बनाकर, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए इनसे। आज इस तरह मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपका गुजर बसर कैसे होते हैं, आपकी ज़िंदगी के जो मसाइल हैं उसमें आप के साथ किस तरह दुनिया, फिर फ़ोटो खिंचवा के खुश हो जाना ये बड़ी बात नहीं है, बल्कि बड़ी बात यह है कि इनके मसाइल को जाने, और वो मैं आज इस प्रोग्राम के ज़रिए आप तक पहुँचाऊँगा कि भाई हक नवाज को जो मसाइल हैं और वो मेरा मैसेज जहाँ तक मैं पहुँचाना चाह रहा हूँ हुकूमत तक, वो भी हम आज इस प्रोग्राम में पहुँचाएंगे। आप लोगों को चाहूँगा कि वो भी इनके साथ देखें कि यार सेल्फी सिर्फ नहीं बल्कि इनकी हेल्प भी मैं समझता हूँ कि होनी चाहिए इस मामले में, इनके मसाइल को हल करने में हम सब ने मिलकर चलना है। अकनवा साहब, मैं ठीक कह रहा हूँ कि ऐसे ही होना चाहिए कि हम सब होना चाहिए? आप हमारे लिए एक मिसाल है कि आप पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं और जहाँ जाते हैं लोग यकीनन सेल्फी बनाते हैं। आज भी मैं देख रहा था एक दो जगहों पर आपकी तस्वीरें, तो लोग बड़ा खुश हो रहे थे, तो सेल्फियाँ बनवाना। तो ये मैं बात कर रहा था खाने पीने के हवाले से, तो ये अफोर्ड कैसे करती हैं? आपकी वालदा फिर इस सारे सिस्टम को अफोर्ड कर रही होती हैं? नहीं सर, बस मैं इसी तरह मुख्तलिफ शहरों में चला जाता हूँ, स्कूलों कॉलेजों में फोटो सेल्फी बनाते, बड़े बड़े लोगों नाल मिल दे, और थोड़ी बात जो हौसला अफजाई होती है उससे मैं अपनी खुराक जारी रखता हूँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इंसान का क्या कद इतना होना चाहिए? जो लोग डिमांड करते हैं हम जैसे छोटे कदों वाले को, यार थोड़ा जहा कद बड़ा हो जाता, तो क्या साड़ी डिमांड ठीक है कि गलत है, सामने भी दास दो? देखो जी, बड़े कद के खुशी भी होती है, परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं। देखो कपड़ों की, जूतों की, सवारी की, सारे मसाइल ही मसाइल होते हैं। वैसे अल्लाह ताला ने कितनी आवाम है जो मैं को एक अलहदा बना देता है,
थोड़ी जी मेरे वास्ते परेशानी, आवाम बड़ी खुश होती है। आवाम खुश होती है वो एक बड़ा आम जी गल है कि छोटे कद वाले रिश्ता कोई नहीं देता, तो वे कद वाले भी बड़े मसले होंगे ने, इन्होंने भी कोई रिश्ता नहीं देता। तो भाई हक नवाज को पूछने कि कोई रिश्ता लभे ही नहीं कि कोई ना? नहीं सर, इंशाल्लाह कोई ना कोई लंबे कद की लड़की मिल जाएगी, मैं चली निकलता हूँ टूर दे, ये काम भी नाल नाल गिदर के ना कोई एक मिसाली जोड़ा बन जाए। लंबी लड़की हाल तक नहीं मिली मेरे को। आज तो जींदे हो? जी सर बिल्कुल। लो जी आज तो जींदे ने हक नवाज साहब, और इन्हें दी बड़ी ख्वाहिश है कि कोई अगर हाइट इन्हें दी इक्वल होए, कोई शादी करना चाहे तो भाई हक नवाज साहब तैयार हो ना? इंशाल्लाह। लो जी इंशाल्लाह की गल है कि तैयार ने, और सोचना चाहिए बाकी भी इन गल् होंडिया। तो अज 12 के उत्ते साढ़े मेहमान ने रेडियो आवाज़ FM 105 दे, और इन्हों का प्रोग्राम साढ़े रेडियो के जो सामीन ने वो भी सुन रहे हैं कि अज असी तुहानू ऐसी शख्सियत नाल मिलवा रहे हैं रेडियो के जरिए भी और 12 के जरिए भी, कि जिन्हों का नौजवान शख्सियत ने 32 साल एज है और 8 फुट के करीब इन्हों का कद है, और इन्हों के मसाइल के हवाले खास तौर पर अज मैं कोशिश कर रहा कि इन्हों को मसाइल जाना कि इन्हों जिते मुश्किल ने टुरन फिरन उत्थे इन्हों जड़ा ना माशी मसाइल के भी शिकार ने, और इसनों असी रल मिल के हल करना है। हक नवाज भाई ये दसो कि तुहाड़े खानदान के भी लोग तुहाड़े नाल कोई करते हैं हैल्प, या कोई ऐसा बंदा खानदान है जो तुहाड़े कोई करीब तरीन इतों तक अपड़ गया हो, कोई 7 फुट तक आ गया हो? नहीं सर हाल तक तो कोई नहीं अपड़ा, सब छोटे ने। अल्लाह ताला बात मुझे बड़ा कर दी है, मेरे अच्छा। लिए थोड़ी परेशानी बन गई है। अच्छा तुम्हारे वाले साहब का कद कितना है? सर वो भी नॉर्मल था, जी मैं पूरे एक फैमिली होती है नॉर्मल, वैसे नॉर्मल था, इतना बड़े कद के नहीं थे। अच्छा कोई इथू तक अपना नाल कभी रिश्ता लग गया तो कर ले? हाँ जी बिल्कुल। लो जी इथू तक काले नाल भी रिश्ता कर ले सने, एक बड़ी अच्छी गल हक नवाज भाई ने की थी है कि भाई ये क्योंकि तैयार ने, और नौकरी के हवाले मैं खास तौर पर गल करांगा कि हुकूमत पाकिस्तान ने कोई सपोर्ट तुम कभी की हुए, कोई पंजाब गवर्नमेंट ने कोई तुम्हारा वजीफा लाया हुए, तो एक तनख्वाह तो मिल गया है हुकूमत की तरफ? बहावलपुर शान है, बहावलपुर हो तुम, बहावलपुर के तुम रिहायशी है, बहावलपुर वाले लिए एक बड़ी शान है, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई तुम्हारी मदद की हुए कि असी कोई वजीफा ला देने तुम्हारा कोई किसी किसी? नहीं सर सब लोग वादे तो बहुत करते हैं, सबको मिल तरह तो बहावलपुरी काफ़ी बड़े बड़े अहदे रखने वाले लोग हैं, सबको जाते कमिश्नर को DC को सब लोगों को मिलते रहने में, सब लोग वादा कर दें बाद में भूल जाते हैं, कोई वादा वफा नहीं करता। लो जी एक डिमांड है इन्हों के वादा जोड़ा है इन्होंने बड़े लोग करते हैं लेकिन वफा नहीं करते, और इस हवाले न अच्छा छोटे कद वाले भी कोई पैगाम दोगे भाई भाई जी थाई भी की हो वे कद के बड़े मसले आते हैं ये कोई इस हवाले न? जी बिल्कुल, जेड़े इन्ना छोटे कद ले जो भी अल्लाह ताला बनाते बिल्कुल डाडम दस सोने बनाते हैं। हाँ। बड़े कद के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ जिससे अल्लाह ताला बनाए वो बिल्कुल बंदे को मौत। अबे छोटे कद वाले घबराओ नहीं, मैं तो बिल्कुल कभी नहीं घबराया, मैं तो इमरान खान साहब के नाल मैं अक्सर आदो ना घबराना नहीं। तो मैं तो इस तरह का अज भाई हक नवाज भी यही गल कर रहे हैं भाई वे कद के अक्सर ज्यादा नुकसान होंगे ने तुहाड़े सामने ने, और हूँ तुहाड़ी जिस्मानी कंडीशन में वेख रहे हैं हड्डियां शड्डियां सारा आड़ा टेढ़ा पान आता है, अच्छी खुराक अच्छा इलाज चाहिए वो सारा कुछ होंगे पैसे के नाल, इतना पैसा नहीं होता। अच्छा वैसे डॉक्टर ने की रिकमेंड किया कि तुम्हारी खुराक कितनी एक होवे या कोई दुध के हिसाब नाल या तुम्हारी जी हड्डियां टेढ़ियां हो रही हैं इस एज के हाली तुम वैसे नौजवान हो 32 साल कोई एड्डी उम्र भी नहीं होंगी, तो डॉक्टर की रिकमेंड की? देखो जी सब को शुरू में जो कद वधदा पिया अच्छी खुराक जरूरी है, इलाज और खुराक और शुरू को जरा हालात ही हो जैसे अच्छी खुराक मैं नहीं खा सकता, अब जरा टेढ़ा पाना चुका ये संभलने तो थोड़ा टाइम लगेगा। आज तुसी जंग दे सब नाल वड्डे रेस्टोरेंट ते बैठे हो जी 12 दे विच, 12 दे मेहमान हो, आज एक ते खुराक खा के पुछने आ तुहाड़े कोल के कैसी लगी है जंग दा ये खुराक, और मुड़ वापस आके अपने सजणा नाल इन्हीं गल्लां करे सां, मैं सच्चियां सीधियां सामियां गल्लां करींदा रहना तुहाड़े नाल अक्सर, ते मुड़ इस तों बाद वापस आके ना तू पुछां आए कि जनाब 12 दा खाणा तुहानूं किहो जिहा लग्गा और 12 दा माहौल किहो जिहा लग्गा, ये भी भाई हक नवाज कोल असीं पुछणा है। हुण एक ब्रेक ते मुड़ वापस आने खाणा ला दिओ भाई हक नवाज साहब ले।
ناظرین، تو آج مجھے بھائی حق نواز کے ساتھ کھانا اور ڈنر کرنے کا یعنی موقع مل رہا ہے، اور وہ بھی 12 کا، 12 پہ آپ موجود ہیں اور ڈنر ہو رہا ہے اور بھائی حق نواز ہمارے ساتھ ہیں۔ بھائی آپ نے یہ، اس کے بارے میں میں آپ سے پوچھوں گا، اس کے کھانے اور ٹیسٹ کے بارے میں اور اس کا انوائرمنٹ کے بارے میں، آپ پوری دنیا گھوم رہے ہیں اس وقت، تو جنگ میں یہ کیسا لگا آپ کو 12؟ ماشاء اللہ جی، بہت اچھا لگتا، بھی بڑی مزہ آنا پیکھا ہوتا، ماحول کی وجہ لگتا ہے، ماحول ہی ماشاء اللہ بہت اچھا ہے، بڑی خوشی ہوگی تیار۔ اچھا یہ دسو بھائی، تھی یہ نہ کوئی آفر کی تھی شادی کرن دی کہ میں دو چھوری بڑی پسند ہیں جی، ریام خان تھے، کوئی کاشا، کوئی ٹک ٹاکر، یہ کی خیال آئے بھائی ایک بار انہوں نے آ کے میں شادی کرنی؟ ماشاء اللہ جی، آج کل موبائل دور ہے، بندہ کوئی نہ کوئی کام تو کی لکھے نا، اور وہ فوٹو آئی تو میں کوئی اچھی لگ گئی، میں انہوں نے کو آفر کر دیتی شادی تھی، پھر آئی نے کہ ٹانکا فٹ ہو جائے گا نا ان شاء اللہ، آفر ہے تو سب کو کی رکھو۔ اچھا کدھر نہ کدھر ٹانکا فٹ کرنے کے چکر چاہیے گا جی؟ ہاں جی، یہ دسو بھائی، آج سارے پروگرام میں تھی شادی کا کوئی چیلنج ہی کرن جا رہے ہو جی سر؟ وہ چیلنج بھی دسو، تو یہ کی چیلنج کرنا ہے تھی سر؟ جو بھی ہے لڑکی جیڑی ہمت رکھتی ہے ان شاء اللہ شادی کرنے کے تیار ہے تو میں بھی حاضر ہوں، کوئی ایسی کرانی نوٹ جی، بڑا بڑا چیلنج کر دیتا ہے بھائی حق نواز نے، بھائی اگر کوئی ہمت رکھتا ہے، کوئی ایسی لڑکی پورے پاکستان ہے جیڑی ایران دے نال شادی کرن دی ہمت رکھتا ہے، تو یہ تو پکے تیار ہیں نا؟ بالکل بالکل، ایران دے نال تے نو والی تے گل ہی کوئی نہیں نا، جس آکھنا وہ تیار، لہذا ہو جاؤ تیار۔ تو یہ بھائی حق نواز سے، اور ایک گل ہے بچ، تسی کم از کم آخ رہے ہو 6 فٹ کا تے ہوے سی، 6 فٹ ہوے تو زیادہ ہوے، جتنی بھی لمبی ہوے گی ایک مثالی جوڑا پڑے گا، بہت اچھی لگے گی۔ اچھا اللہ کرے تے تہاڈا مثالی جوڑا بن جاوے جی سر، تے شادی تو بعد تہاڈا پہلا کھانا ایتھے 12 لو ساڈے تک، انشاءاللہ ایتھے جان کے چاؤ 12 ریسٹورنٹ تسی بو گے تھائیں نال، اللہ کرے تہاڈا جوڑا کوئی ہوے جی وہ رل جاوے، تے ایتھے کھانا ساڈی 12 دی طرفوں تہانوں ایتھے جناب دعوت ہے، مہربانی سر، مہربانی سر، ضرور آئیں گے، ہاں جدوں تہاڈا دا لگ جاوے ضرور آئیں گے سر، ضرور آئیں گے۔ شادی تو داغ ہی ہے نا جی، چیلنج آج انہوں نے دے دیتا ہے جی کہ پورے پاکستان سے اگر کوئی تھوڑی ہمت رکھ دیے تو آ جائے، اس قسم کا چیلنج ہی ہوا ہے نا جی، بالکل ہے۔ اچھا گل ہو رہی تھی کہ حکومت تو تسی کی مطالبہ کریں دے ہو، کہ حکومت کو کس قسم کی تسی سپورٹ چاہتے ہیں؟ دیکھو کوئی آزادی نوکری لا ڈیون، کوئی وظیفہ لا ڈیون، کیڑی چیز کی کم پیشی ہے پاکستان میں؟ کسی چیز کی نہیں ہے، تو میں اپیل کی رکھی کو جب تک میرا کوئی روزگار کا بندوبست نہیں تھی، نہ کوئی نوکری نہیں ملتی، میں ان شاء اللہ حکومت کو میں آواز اٹھاتا رہوں گا۔ اچھا انہوں کا مطالبہ یہ ہے کہ جب تک مسائل کا شکار نہیں، گورنمنٹ نے چاہیے کہ انہوں نے سپورٹ کرنا اور انہوں کو ہیلپ کی جائے، انہوں کو نوکری سے ایڈجسٹ کیا جائے، اور جائز مطالبہ۔ اس تو علاوہ کوئی چنگ دے لوگوں پیغام، لوگوں کو کوئی ساڈے ریڈیو آواز کی طرفوں اس 12 ریسٹورنٹ کو کوئی پیغام دینا چاہو؟ ماشاء اللہ جی، یہاں کے ریڈیو پاکستان لے میں کو بڑی خوشی تھی، بہت اچھا لگے اتوں کا ماحول، تو سب لوگوں جڑے اتوں کے جنگ کے لوگ پیار محبت کرنے پین کھانا، وہ تو ہر جگہ کا بندہ کھانا، ماشاء اللہ بہت اتوں میں کو بڑی سپورٹ ماحول اچھا لگتا پی جائے۔ بڑی مہربانی تھی سارے پروگرام لے سانوں ٹائم دیتا ہے آج بھائی حق نواز نے جنگ، اور جنگ والوں بڑے عرصے بعد میں حق نواز بھی کھا دیتا، یہ اپنے میزبان سید عدنان نور نو اجازت دیو، اللہ نگہبان۔